ये हैं इस सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट मिस्टर आदित्य, जिनकी टाइम मशीन को लेकर की गई रिसर्च देश विदेश में सराही गई, आज भी मेहनत करने में लगे हुए। और ये हैं उनके सुपुत्र अथर्व उर्फ एवी, जो कब से जर्नलिज्म में अपनी पहचान बनाने में लगे हुए और अपने पिता के हिंदी प्रेम से थोड़ा खफा रहते हैं। अरे मेरा आर्टिकल था यूनिटी ऑफ इंडिया, सेलेक्ट नहीं हुआ क्या? मतलब फैंसी था। बेटा एक क्षण के लिए इधर आओ। रुको, रखो तुम। क्या पापा, ये क्षण, आइए जाइए। आर वी लिविंग इन 1970s? पापा आप एक साइंटिस्ट हो और अब भी हिंदी में अटके हुए हो। क्या पापा बताइए। मैंने सुना है कि तुम यूनिटी ऑफ इंडिया पर एक आर्टिकल लिख रहे हो। जस्ट ट्राइंग। तुम्हें पता है बेटा, मैं टाइम मशीन तो नहीं बना सका, लेकिन मैंने कुछ बनाया था जिसे दुनिया को बताया नहीं कभी। क्या? वो थी एक ऑडियो टाइम मशीन। वॉट? हाँ, इस मशीन के उपयोग से मैं कुछ बीते जमाने के लोगों से बात कर सकता हूँ। और मैंने एक दोस्त बनाया है जिसे मैं तुम्हारे बारे में बताता रहता हूँ कि तुम्हें हिंदी से कितनी शिकायत है। चलो आज मैं तुम्हारा पहला इंटरव्यू तुम्हें देता हूँ, ये शिकायत अब वही दूर करेंगे। सीरियसली, कौन पापा? मुंशी प्रेमचंद, आपका पहला साक्षात्कार। वाओ, लेट्स डू दिस। और बेटा, इस तरीके से इन हिंदी के लेखों ने भारत को एक सूत्र में बांध दिया, एक सच्ची एकता जिसने हमें आजादी दिलाई, एक हिंदी एकता। सर, आपने तो मेरा नजरिया ही बदल दिया। और इस तरीके से अथर्व ने अपने आर्टिकल हिंदी एकता को पब्लिश किया और खूब वाहवाही बटोरी।